Hello, aspirants. In this short session, we will talk about the governance issues in startup. We all know Baiju ke saath kya hua. Okay, aur startup ecosystem ki puri introductory lecture hum already kar chuke in mains 450 plus. यहाँ पे बायजू केस के बारे में आया था और इसके साथ ये भी कहा गया था कि ये सिर्फ बायजू का एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये हमारे पूरे बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. ओके, सो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स. इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, राइट? एंड सेकेंड टाइम इन अ रो इंडिया हैज टॉप चाइना बाय क्रिएटिंग 23 यूनिकॉर्न्स इन 2022. ठीक है, हर 20 दिन में हम लोग एक यूनिकॉर्न बना रहे हैं. ओवरऑल 1.4 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर हैं हमारे यहाँ पर. कॉर्पोरेट इश्यूज फेस्ड बाय बायजू हैव रेज सिग्निफिकेंट कंसर्न्स एंड हाइलाइटेड द ब्रॉडर प्रॉब्लम विद इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम. बिकॉज होता क्या है कि जब एक स्टार्टअप शुरू करता है तो उसका सोल फोकस रहता है ग्रोथ पर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसे लगता है एक तरह का बर्डन. अब जब इसमें फंड रेज किए जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी होती है कि दैट विद इन 7 ईयर जो फाउंडर होंगे वो एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से. ओके, बट अब यही हमारा वे फॉरवर्ड ही बनेगा कि इसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है, राइट? तो यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट का भी यही रहता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट लेके आए, जस्ट फोकस ऑन ग्रोथ, जस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट. बट इसमें होता क्या है कि जो गवर्नेंस है आपका वो ले जाता है बैक सीट, एंड आप फेयर प्रैक्टिसेस की बजाय आपका सोल पर्पस रहता है कैसे भी करके प्रॉफिट कीजिए, कैसे भी करके ग्रोथ कीजिए. तो उसी तरीके से फिर प्रॉब्लम यहां आती है कि आप 1-2-3 साल का एक बबल बन के रह जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाते, जैसे कि मेजोरिटी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है. वो कुछ ना कुछ यूनिक लेके आती है कि हमारे यहां से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग इस तरीके से कराएंगे, वैसे कराएंगे, और होता यह कि शुरू में एक हाइप क्रिएट होता है, 2-3 साल में वो सैचुरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो वही चीज ओवरऑल भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है. सिमिलर वायलेशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैव बीन रिपोर्टेड अदर इंडियन स्टार्टअप्स सच एज मोजो केयर, गो मैकेनिक, भारत पे. ओके, भारत पे के साथ भी यही हुआ, हालांकि अश्विनी ग्रोवर मिस्टर कहते हैं कि ये सब होता है इंडिया में हैवी टैक्सेशन की वजह से. आप हमारे पूरी मेहनत का इनकम को ऑलमोस्ट 45% टैक्स में ले जाते हैं, ओके, इसलिए वो जरूर इस बात को करते हैं अधिकतर. कहीं भी आप उनको देखेंगे किसी भी सेमिनार में कि टैक्सेस कम होने चाहिए इंडिया में. All right, so let's define what we mean by corporate governance. So corporate governance refers the way in which companies are governed and to what purpose. It identifies who has the power and accountability and who make the decisions. क्योंकि सिर्फ एक फाउंडर जो होगा किसी भी स्टार्टअप में उसके पास ही एक्सपर्टीज हो हर डोमेन की, वो पॉसिबल नहीं है. एक स्टार्टअप जब एक हद से ज्यादा आगे ग्रो कर गया, ऑब्वियसली उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सब और कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी. सो सिर्फ एक फाउंडर अकेला डिसीजन मेकिंग करे वो चीज पॉसिबल नहीं है. ओके, सो यहां पर आपको डिटरमिन करना होगा द वे इन विच द कंपनी विल बी गवर्न एंड टू व्हाट पर्पस, किसके पास पावर होगी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी कि ये डिसीजन आपने लिया था, राइट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ टूलकिट व्हिच इनेबल्स द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड टू डील मोर इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस ऑफ रनिंग ए कंपनी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करती है दैट बिजनेस हैव एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड कंट्रोल्स इन प्लेस सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. अब उस स्टेक होल्डर्स में सभी आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी होंगे उसमें कुछ, एम्प्लॉयज भी होंगे, सप्लायर्स भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे, एंड कम्युनिटी भी होगी. इन सभी के बैलेंस, सभी के जो इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इनिशियल फेज में स्टार्टअप यूजुअली फोकस ऑन द ग्रोथ एंड इट सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ बर्डन. बट इन दी लॉन्ग टर्म अल्टीमेटली यही जो साउंड गवर्नेंस होगी वही एक इनेबलर होगी कि आगे भी चल के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हो या आपके इन्वेस्टर्स हो, राइट? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स दैट स्टार्टअप्स आर ऑपरेटिंग इन अ ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल मैनर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद द इन्वेस्टर, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. इफ यू हैव अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इज प्रॉपर, देन
इसका बेनिफिट होगा आपको लॉन्ग टर्म में, एंड आपका स्टार्टअप जो होगा वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा। जैसे जो आपका बायजू था वो बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए बदनाम था पिछले काफी सालों से, उसके वर्कर्स ने भी जो उसके यहाँ से काम छोड़ के आए उन्होंने भी काफी सीरियस एलिगेशन लगाए थे कि किस तरीके से ये प्रेशराइज करते हैं कि पेरेंट्स को ट्रिक कीजिए कि वो हमारा कोर्स परचेज करें। स्टार्टअप्स दैट हैव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर मोर लाइकली टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, अट्रैक्ट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट। ठीक है, ये सब उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में बनी रहेगी या नहीं इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या आप और ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो तभी होगा जब सामने वाले आप पे ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट या नहीं। So corporate governance helps startups to mitigate risk and ensure the compliance with regulatory requirements. अब देखिए corporate startups में हमने देखा था introduction में कि यहाँ पर काफी ज्यादा government benefits देती है आपको, tax concession देती है, लेकिन अगर एक आध दो ऐसे scam और इस तरह के cases सामने आते हैं तो फिर ultimately government को भी मजबूर होना पड़ता है कि जो regulations है उनको और ज्यादा tight करना। अब regulation tight करने से problem ये आती है कि जो और new startups आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है comply करना। आप और ज्यादा इनोवेटिव नहीं हो सकते अपने प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि फिर गवर्नमेंट एक तरह का आप एक सस्पेक्शन रखती है कि हाँ ये भी उसी तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जो ऑलरेडी फेल हो चुकी है मार्केट में। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द इशू विद दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम फाउंडर का फॉल्ट होता है क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट रेज कर लिया है अलग अलग कंपनी से कि कोर्सेज के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं या अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, अब वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी अपनी फंडिंग लेके आता है तो उसका पूरा मोटिव रहता है दैट ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, जो करना है करो लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब कई बार इतना हाइप क्रिएट करता है कोई एक स्टार्टअप आके कि देखिए मेरा ग्रोथ देखिए कितनी तेजी से हमारी ग्रोथ हो रही है, तो फिर इन्वेस्टर को भी लगता है यार अगर हम लोगों ने अब इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो हम मिस आउट कर जाएंगे। ठीक है, दूसरे लोग इन्वेस्ट कर जाएंगे, जैसे एक हाइप क्रिएट किया है इसने क्या नाम है सर, कंट्री डिलाइट ने अभी। ठीक है, देन दूसरा एग्जीक्यूट देयर ग्रोथ, कई बार ये अपनी अकाउंट्स वगैरह को मैनिपुलेट कर भी दिखाते हैं कि देखिए हमारा एक साल का रेवेन्यू कितना ज्यादा आया, कितना टर्नओवर दिया। जैसे आजकल न्यू कोचिंग इंडस्ट्री में भी न्यू स्टार्टअप्स आते हैं तो वो दिखाते हैं कि देखिए पहले साल ही हमारा टर्नओवर 30 लाख रहा है और सेकंड साल में हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया है और हम लोग 3 करोड़ तक पहुंच गए, तो इसी तरीके से हम अगले 3 साल में 300 करोड़ तक की कंपनी बन सकते हैं। अब ये सब हाइप देखकर कोई ना कोई इन्वेस्टर आ जाता है कि हम आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार है। दूसरा, ओवर एस्टिमेशन ऑफ इंडियन मार्केट, ये चीजें मोस्टली होती है ऑर्गेनिक बिजनेस के सेक्टर में। कई बार इस तरह से हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेती हैं कंपनीज की, हाँ लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, उनकी इनकम भी अच्छी है, वो लोग अफोर्ड करना चाहते हैं, बट फिर अल्टीमेटली रियलाइज होता है कि नहीं उतनी भी डिमांड नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की या उतनी परचेसिंग पावर नहीं है लोगों की जितना कि ओवर एस्टिमेट किया जा रहा था। ओके, सो फर्स्ट इज द फाउंडर्स फॉल्ट। With considerable capital inflow and rapid increase of startup ventures across sectors, India का startup sector highly competitive है, ये बात तो हमने पिछले lecture में देख ली थी, but most of the time ये जो founders होते हैं they overlook the governance aspect. इसका सबसे बड़ा reason है कि जो first time founders होते हैं जिनको पहले का कोई experience नहीं है, they don't have the required expertise on corporate governance. The focus on governance can also increase the operational cost. ये भी एक concern होता है कि अगर ये सब follow करने जाएंगे तो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जैसे थोड़ा सा स्टार्टअप बड़ा हुआ फिर गवर्नमेंट के रूल्स कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखिए, अब मैं बेवजह रखूं अपनी कॉस्ट और बढ़ाऊं। ठीक है, तो कई बार उस वजह से जानबूझकर भी नेगलेक्ट किया जाता है। एक तरफ मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने की, दूसरी तरफ की एक्सपर्टीज है लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कम करने के लिए अवॉइड कर रहा हूं। इन सर्टेन केसेस फाउंडर में एंगेज इन क्वेश्चनेबल एक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स और जनरल डिसरिगार्ड फॉर द लॉ, ये एग्जैक्टली केस था विद बायजू। ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, अब जब वेंचर कैपिटलिस्ट लेकर आया है पूरी फंडिंग तो वो फिर मैनिपुलेट भी करता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस किस तरीके से रखनी है और कहाँ कहाँ आपको एक्सपेंड करना है किस डायरेक्शन में। ओके, एग्जैक्टली द एग्जाम्पल ऑफ पीडब्ल्यू एंड ओनली आई एस। दिस इज द मेजर रीजन फॉर राइज इन कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस केसेस। The pressure to grow at all cost forces the startup to abandon the system and process जो वो पहले से follow कर रहे थे। ठीक है, कई बार जब जितने भी startup शुरू में आए, स्लीपी हो, ओनली आई एस हो, ये सब काफी हद तक फ्री चले, उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने courses launch करने किए छोटे छोटे, अब उस process को abandon करके offline center establish किया, अब वो फिर offline की fees भी वैसी ही होगी जैसे बाकी के बड़ी बड़ी coaching centers की। राइट, तो exactly जिस
प्रोसेस और जिस सिस्टम के साथ वो शुरू हुए थे उसको अबैंडन करके उनको फिर उस मोटिव से चलना पड़ता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि जिसने इन्वेस्ट किया है वो चाहता है। दूसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए फंडिंग काफी ज्यादा आई है पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में, हालांकि 2021 के बाद से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, बट 2020-21 तक काफी तेजी से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। एक ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म रश टू इन्वेस्ट इन प्रॉमिसिंग इंडियन कंपनीज, देयर वॉज ए फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग द इन्वेस्टर्स। जैसे कि आपकी जो ब्रांड है नाइका, अगेन शुगर, इसमें कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दे ऑल इन्वेस्टेड इनिशियली, बट नाइका फिर भी थोड़ा सर्वाइव कर गया, बट उसके अलावा काफी सारे हैं जो फेल हो गए। सो दिस मेड दी ड्यू डिलीजेंस लेस इंपॉर्टेंट एंड एंटरिंग इन डील बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। फिर इनको जल्दबाजी ये होती है कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा, आप तो जल्दी से डील साइन कीजिए, चाहे वो प्रॉपरली उन्होंने उसको एग्जामिन किया हो या ना किया हो। फोर्थ रीजन है एग्जीग्रेटेड वैल्यूएशन। नो इन्वेस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या दिखाएंगे, देखिए मेरी कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, एक साल में 30 लाख और सीधे 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने अगले साल ही 3 करोड़ बनाए, ठीक है, हम इसी ग्रोथ से अगर चलेंगे तो हम इसको 4 साल में 300 करोड़ की कंपनी बना देंगे, तो थोड़ा सा एग्जीग्रेट भी किया जाता है। विथ राइज ऑफ स्टार्टअप्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट एनकरेजिंग स्टार्टअप्स टू ग्रो एट एनी कॉस्ट, कंपनी वैल्यूएशन हैव स्टार्टेड एक्सीडिंग द फंडामेंटल वैल्यू। जबकि उतनी बड़ा मार्केट या उतना आपका पब्लिक के तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है, पीपल हैव स्टार्टेड टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू कंपनी वैल्यूएशन देन बिजनेस प्रोसेस। आपका प्रोसेस अच्छा है यानी आप जो इन्वेस्टर आता है वो ये नहीं देखता कि क्या ये इसके फंडामेंटल्स उतने साउंड है कि ये ग्रो कर पाएगा इतना, या बस शुरू में मार्केटिंग और हाइप क्रिएट करके 1-2 साल चल गया और यही शायद इसका सेचुरेशन है, इससे ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, यहां से सिर्फ इसका डाउनफॉल ही हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली ग्रोथ इन रेवन्यूज एंड रिलेटेड मेट्रिक्स वर ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी वैल्यूएशन एंड इनेबल कंपनीज टू रेज सब्सिक्वेंट फंडिंग एट एवर इंक्रीजिंग वैल्यूएशन रिजल्टिंग इन डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इंसेंटिव्स फॉर रॉन्ग डूइंग। अब पूरा जो फोकस है आपका वैल्यूएशन पे हो गया कि मुझे अपनी कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा 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 दिखाना है हर साल, ठीक है, फिर उसके बाद मैं रॉन्ग डूइंग्स में भी इंडल्ज हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर जैसा कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी देखते हैं लोग इधर उधर से क्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ कोचिंग्स हैं, नाम लेना भी ठीक नहीं है, कि 85 क्वेश्चन फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज, कम ऑन दैट्स रिडिकुलस। ओवर एस्टिमेशन ऑफ इंडियन मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक बिजनेस के सेक्टर में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि आप कई बार बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया, बट एग्जैक्टली है नहीं वो। हाँ ठीक है, किसी के घर में कोई बीमार वगैरह हो जाता है, इस तरह की चीज हो जाती है, लोग कहते हैं हम 5,000 रुपये किलो का भी घी खरीदेंगे, अभी ये कंपनी ने लॉन्च किया है घी कहकर कि ये प्योर घी है, हम अपनी काउस वगैरह को भी ऑर्गेनिक फॉडर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसने 10,000 रुपीज पर केजी प्राइस रखी है, होगा कि बहुत प्योर हो सब कुछ, बट 10,000 रुपीज पर केजी कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। बट अल्टीमेटली कुछ सेक्टर में, कुछ प्रोडक्ट्स में इंडिया स्टिल हैज इस स्मॉल मार्केट। उसके बाद इंडिया में मर्जर एंड एक्विजिशन उतना इजी नहीं होता है, राइट। तो जैसा कि रूल है कि अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया है तो इट वॉन्ट द एग्जिट ऑफ द फाउंडर विद इन 7 ईयर, ओके, तो ये जो लाइफ साइकिल है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की भी हमें जरूरत होगी, उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, ओके। और फिर क्योंकि 7 साल में फाउंडर को एग्जिट करना है तो यहाँ पे उस पर प्रेशर रहता है कि आप हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी जब हम फंडिंग लेकर आए थे आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कीजिए, और उसके लिए फिर वो अडॉप्ट करता है अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ओके। तो 4-5 पॉइंट रखिए हर एडिंग में, 10 मार्कर में आएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा आप यू कैन इजली हैंडल। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस गवर्नेंस इशू, फर्स्ट अगर इस तरह के स्कैम होते हैं तो गवर्नमेंट रेगुलेशन को और ज्यादा टाइट कर देती है, फिर आप ज्यादा इनोवेटिव नहीं हो सकते और जो न्यू कॉमर्स होते हैं उनके लिए और ज्यादा कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता है। दूसरा रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, अब एक अगर बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है तो बाकी स्टार्टअप्स में भी जो कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं जो अपनी फंडिंग लेकर आते हैं वो फिर उतना ज्यादा शक की निगाह से देखते हैं उसको कि यार इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है, पहले इसका पूरा ड्यू डिलीजेंस कर लिया जाए। सेकेंड इज एक डिस्ट्रस्ट बिल्ड होता है बिटवीन द फाउंडर्स एंड द इन्वेस्टर्स, एंड फिर ऐसे में जो सिग्निफिकेंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर वही बात है कि फिर जो फाउंडर है वो ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देगा या पहले अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के को ज्यादा दुरुस्त करेगा। टाइटर रेगुलेशन, गवर्नमेंट में मेक्स मैनी एक्सेप्शन एंड गिव कंसेशन टू स्टार्टअप सो वो ग्रो कर सके, हाउएवर अगर कोई फाइनेंशियल या ऑपरेशनल फेलियर और ज्यादा रेगुलर होने लगे तो फिर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स की मजबूरी हो जाती है कि उनको रूल्स को और ज्यादा टाइट करना पड़ता है, एंड दैट अल्टीमेटली किल द इनोवेशन, ठीक है। जैसे जिसको हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, सभी जो स्टार्टअप्स हैं, कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें सभी अपने प्राइस रिड्यूस करने में लगे हैं, कोई 15,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000, ठीक है, कुछ फ्री भी करा रहे हैं, लेकिन
थिंग इज कि ये लॉन्ग टर्म में तो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, ठीक है। हर चीज के लिए एक कॉस्ट होती है, नथिंग इज फ्री इन द इकोनॉमी, एज रघुराम राजन सेड, ठीक है। तो फिर वो अल्टीमेटली आपकी इस तरह की प्रेडेटरी प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए भी फिर गवर्नमेंट को अपने रेगुलेशन टाइट करने पड़ते हैं। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो थ्राइव करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स पर या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर, बट जब इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं मिस गवर्नेंस के, तो इन्वेस्टर लूज द कॉन्फिडेंस, जहां जबकि जो एनवायरमेंट है ओवरऑल फंडिंग का वो ऑलरेडी काफी चैलेंजिंग हो रहा है आफ्टर 2021। डिस्ट्रस्ट, नाउ द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द फाउंडर ड्यू टू फ्यू बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉज्ड लिटिगेशन। फिर आप कोर्ट में जाओगे, फिर वहां पे ये इश्यू चलता रहेगा काफी साल, ठीक है। आप ले ऑफ करोगे वर्कर्स को अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, जैसे अन अकेडमी कर रहा है आज, ठीक है। उसी तरीके से डायरेक्टर कई बार एग्जिट कर जाते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट्स करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो, और फिर जो दूसरे भी आएंगे उनको और ज्यादा ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। ओके, जैसे कि आफ्टर 2021 यहां तक जो एंथुसियाज्म देखा गया था स्टार्टअप में फंडिंग और इन्वेस्टमेंट का, उतना ज्यादा दोबारा नहीं देखा गया। और जब इस तरह के मिस गवर्नेंस के इंसिडेंट्स आते हैं तो फिर और ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग सॉरी सॉरी इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग एट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस मींस दैट स्टार्टअप्स विद गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। ओके, इसलिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स जो हम लोग ले सकते हैं इस चीज के लिए? फर्स्ट, क्लियर नॉर्म्स बनाने होंगे सेल्फ रेगुलेशन के लिए, ठीक है। आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि स्टार्टअप की हर स्टेज पर, जब आपकी कंपनी इतनी ग्रो हुई या 2 साल बाद, 4 साल बाद, एक क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आप हमें क्लियर नॉर्म्स बता दीजिए ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। एक तरह की स्टार्टअप गवर्नेंस प्ले बुक बता दीजिए, बना के दे दीजिए हर स्टेज पर, कि आपको किस स्टेज तक अगर आपकी कंपनी पहुंच गई है तो आपको अब क्या चीज फॉलो करनी होगी, ठीक है। एंड दिस स्टार्टअप शुड रेकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एवरी स्टार्टअप मस्ट फॉलो द लेड आउट सेल्फ रेगुलेशन नॉर्म्स, ताकि ऊपर से रेगुलेटरी बॉडीज को आपको टाइट ना करना पड़े, आप खुद से ही सेल्फ रेगुलेट कर लीजिए डिपेंडिंग अपॉन दिस स्टार्टअप गवर्नेंस प्ले बुक। एंड दी स्टार्टअप कम्युनिटी शुड डेवलप कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन विच ऑडिटर्स कैन ट्रांसपेरेंटली ऑडिट द अकाउंट्स एंड रिपोर्ट मेल प्रैक्टिसेस। सेकेंड इज वी कैन ब्रिंग इन दी एक्सपर्ट्स, क्योंकि अभी तक जो स्टार्टअप होते हैं काफी ग्रो होने के बाद भी दे स्टिल रिमेन दी फाउंडर सेंट्रिक। जो फाउंडर है वही सारी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बट जो फाउंडर है he cannot be expert in every aspect of the business, so these venture capitalists should bring in the relevant experts for various functions. जब आप इतना इन्वेस्टमेंट लेके आए तो अपने साथ थोड़े एक्सपर्ट्स भी ले आइए जो उस कंपनी के सारी चीज को मॉनिटर करेंगे, ताकि सिर्फ अकेला फाउंडर ही सारे डिसीजन ना ले और वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो। सेकेंड इज बिल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, फाउंडर शुड फोकस ऑन बिल्डिंग सस्टेनेबल बिजनेस रादर देन द बिल्डिंग वैल्यूएशन फॉर द शॉर्ट टर्म। अब मेजोरिटी जो नए कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं उनका सिंपल है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, लोगों में एक हाइप क्रिएट करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं और वाइपआउट हो जाते हैं। लॉन्गर फंड लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब 7 ईयर्स में आपको एग्जिट कर जाना है फाउंडर को यहां से। सो वी नीड टू बिल्ड ए सस्टेनेबल बिजनेस इन इंडिया, इट टेक्स टाइम, बट वेंचर कैपिटलिस्ट फंड हैव 7 ईयर लाइफ साइकिल। अगर वो फंडिंग लेके आए तो वो इंश्योर करता है कि 7 साल में आप मुझे अपने आप को एग्जिट करके मुझे दे दीजिए कंपनी। ओके, सो यहां पर ये जो फंड लाइफ साइकिल है इसको हमें थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप फर्दर स्टेप्स में लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.